हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि घर में खाली बैठे क्या करें। हम घर में खाली बैठे हैं और हमारा समय नहीं व्यतीत हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है और इसका बहुत प्रकोप है और WHO ने इसे वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल एपिडेमिक की संज्ञा दे दी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं और यदि देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इससे बचने का केवल और केवल यही उपाय है कि हम किसी और अदर पर्सन के कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, तो बाकी और चीज़ें, इसके सिम्टम और ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं और आपका समय नहीं व्यतीत हो रहा है, यानी आप खुद से नहीं, आपको बहुत बोरियत फील हो रही है, आप बहुत बोर फील कर रहे हो। क्यों? इसलिए क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा है। यदि आपको बोरियत फील हो रही है, इसका मतलब तो ये हो सकता है कि आप कितने बोरिंग इंसान हैं, लेकिन आप बोरिंग नहीं हैं क्योंकि आपके साथ जो काम करते हैं वो तो बोर नहीं फील होते होंगे। तो ज़रूर ऐसा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, आप उसको पहचानने की कोशिश करिए। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इस खाली बैठे समय में क्या करें। तो इस खाली बैठे समय में हम कई चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सी ऐसा स्किल है जो हमको नहीं पता या हमें नहीं आता, उस बारे में हम जानकारी इकट्ठा करें और उसको हम कैसे सीख सकते हैं या हम उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी हॉबीज़ क्या है या आपके अंदर कौन सी बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि देखो कमी तो हमें अपने अंदर नज़र आती नहीं, तो इसलिए हम अपने अंदर खूबियाँ ही ढूंढ लें कि कौन सी खूबी है। जो भी स्किल है वो कम पूर्ण नहीं होगी, यानी बहुत परफेक्ट नहीं होगी, आप उसका परफेक्शन और अच्छा कर सकते हैं और अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं। यदि आप अपनी हॉबीज़ और अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप कुछ और अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं आप। जैसे कोई नई लैंग्वेज आपको सीखनी है तो नई लैंग्वेज सीखने के लिए भी कई वेबसाइट हैं, कई ऐसे यूट्यूब के चैनल हैं, आप वहाँ जाकर के सीख सकते हो। यदि आपका आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो सीख सकते हो, उसको भी सिखाने वाले कई लोग हैं। और आप यदि खुद से अंदर से आपकी इच्छा हो मुझे आर्ट या क्राफ्ट में कुछ करना है तो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। यदि आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। तो आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस पे आ रहा है और आप कैसे अपने समय को कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि टाइम पास करना है, हमें टाइम को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि यदि बिना किसी प्लान के हम मोबाइल उठा लेंगे या किसी लैपटॉप या इंटरनेट वेब ब्राउज़र पर चले जाएँगे तो फिर वहाँ बहुत जल्दी समय बीत जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। और जब आप 2-3 घंटे बाद जब मोबाइल रखेंगे तो आपको ये लगेगा करें मैंने सीखा क्या या मुझे मिला क्या, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कॉमेडी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना, हमें एक प्लान बनाना है कि हमें इस पूरे जो भी लॉकडाउन का पीरियड है जो 14 अप्रैल तक है, मे बी उसके आगे भी बढ़ जाए, तो उस पीरियड में आपको कुछ ना कुछ एक नया सीख लेना है। ये जो कह रहे हैं ना कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ढेर सारी निगेटिविटी है, चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि इसने आपको टाइम दिया हुआ है। आज के समय में टाइम बहुत प्रीसियस है, कोई समय नहीं देना चाहता है, लेकिन आपको इसने टाइम दिया है कि आप अपने आप को रिफ़्रेश करिए, आप घर में रहिए। यहाँ ना तो स्कूल का चक्कर है, ना कोचिंग का चक्कर है, ना रिलेटिव्स का चक्कर है, ना ऑफिसेस का, ना कॉलेज का, कहीं कोई कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आप अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं, इस 15-20 दिन के जो भी एक टाइम ड्यूरेशन है, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी बहुत अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मेडिटेशन करिए और उस स्पिरिचुअल पावर को पहचानिए। हम दूसरों को समय दे देते हैं, कभी कभी मिल पाता है, लेकिन क्या हम कभी अपने आप को समय दे पाते हैं? कभी नहीं दे पाते। तो हमें उसके लिए सोचना है कि हम ये जानें, क्योंकि जितनी चीज़ें हमारे अंदर है ना, सब कुछ बाहर की इन्फॉर्मेशन है, जितनी दुनिया में चीज़ें दिख रही उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है, लेकिन क्या वो टिकती है, क्या वो रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर है वो हमें नहीं पता है, तो उसको जानने का समय ये कोरोना वायरस हमें दे रहा है। तो हम उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, हम उस टाइम को पास न करें बेवजह से मोबाइल पे बैठ करके या कुछ इधर उधर करते हुए, समय नहीं हमें निकालना है। और सबसे बड़ी बात, हमें परिवार के साथ बैठने का मौका मिला। यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो, वर्किंग हैं और जल्दी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। इसमें हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं 3 ग्रुप में होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, या तो एडल्ट होते हैं, या तो ओल्ड एज के लोग होते हैं, आप उनसे बातें
कर सकते हैं, उनसे अपना रिलेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको किसी ओल्ड एज या आपके दादा दादी या उन सबसे आपको अपना रिलेशन अच्छा रखना है तो आप केवल ये कर सकते हैं, उनसे उनका पास्ट पूछें। किसी भी सीनियर सिटीजन से जब आप उसका पास्ट पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। और यदि आपको फ्यूचर कैसा होना चाहिए या जो इमेजिनेशन की दुनिया है, बच्चों के पास जाइए। जो बच्चे 9th-10th ईयर के हैं या 16-15 के हैं, उनका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ नया नया बहुत क्रिएटिव सोचते हैं। आप उनके पास जाइए, आप उनसे बातें करिए। और यदि आपको कुछ करना है, कुछ इकोनॉमिक या कुछ बिजनेस या कुछ सर्विस या इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप नॉर्मल जो है एक एडल्ट पर्सन से बात करिए। तो सभी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है और सबसे आपको कुछ ना कुछ जानने का मौका मिलेगा, और इन सब के अलावा आपको अपनी फैमिली से जुड़े रहने का भी एक मौका मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर करिए इस पूरे जो भी एक टाइम ड्यूरेशन है इसमें, ऐसे ही टाइम को पास मत कर दीजिएगा, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और कुछ ना कुछ नया सीखिए। तो इसी के साथ हम ये देखेंगे कि कोरोना का दौर है अभी ज़रा संभलो, कोरोना का दौर है अभी ज़रा संभलो, कुछ दिनों की बात है, घर से ना निकलो, स्टे होम स्टे सेफ। आपको कुछ नहीं करना, घर में रहना है, केवल घर में रहना है, और एक ही काम करना है कि केवल घर में रहना है। थैंक यू सो मच।